नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जानने के लिए डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का क्या है रियल फैक्ट, सीधा करते हैं समाज के रहने वाले लोगों से बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह जी। सर क्या कहना चाहोगे आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? डेरा सच्चा सौदा के बारे में यही कहना चाहेंगे, जो मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। इस टाइम समाज को जरूरत भी है बहुत, क्योंकि उन्होंने आंखें दान, गुर्दा दान, ब्लड का तो बहुत ज़्यादा उनका चल रहा है प्रोग्राम, तो इसलिए कहने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज को बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जो उनको उनकी ज़रूरत है, मैं तो गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहूँगा कि उनको रिहा करना चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। सर जब सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी समाज में थे तो क्या क्या उन्होंने समाज को, देश को आगे ले जाने के लिए कदम उठाए? उनके सारे ही कार्य बढ़िया थे जी। कौन से 143 मानवता भलाई के कार्य सुनते हैं, उनके चलते हैं, तो उनमें से किसके बारे में बात करें? मैंने जैसे आपको बता दिया ब्लड के बारे में, तो ब्लड का उनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। जैसे मैं यहाँ मेरे घर तो भी कई बार मेरे दोस्त मित्र पिंड मेरा नाभे वाला है, उधरों फोन कर देंगे भी ब्लड की लोड़ है, तो इतने इन्होंने किसी प्रेमी को फोन कर दो तो जल्दी वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जी। इस तरह के उन्होंने होर भी जिन्हें भी कार्य हैं सारे ही वधिया ने जी। इस करके उन्होंने समाज प्रति जिनी भी देन है ना जी, बहुत वधिया। जदों वो आप हो रहे थे तो उन्होंने प्रेमिया ने अक्सर समाज आप सुनते जी घर, तो वधिया सारा कुछ ठीक, गुड एंड वैल से। समाज को आज उनकी जरूरत है? बहुत जरूरत है जी। समाज आप देख ही रहे हो कितने बलात्कार वगैरह जे कितना किन्ना कुछ हो रहा, तुम सारे पढ़े लिखे हो, ठीक है जी। मैं ज़्यादा किसी को सुकाउन की लड़ नहीं, किन्ना किन्ने बलात्कार होगा। आप टीवी पर न्यूज़ ला लो, हर दूसरी न्यूज़ बलात्कार की होंगी है, वो उस बारे किन्ना पढ़ाते हैं, नशे बारे किन्ना दसते हैं, ठीक है जी। नौजवानों को किन्नी सेध देंगे, इस करके उन्होंने बहुत जरूरत है। मैं तो गवर्नमेंट को बार बार हाथ जोड़ के अपील करना कि उन्होंने कुछ सोचा जाए। आप होर भी किसी, मान लो मैं नौ फिर वही कह रहा किसी आप किसी संस्था प्रति नौ नहीं लेना चाहते, किन्नियां हूँ पिछे जे छड़न की कोशिश करी छड़े भी हैं, ठीक है जी। चलो उन्होंने चंगे काम होने ताई छड़े जाने की लड़ होगी, पर असं कहने इन्हों की भी लड़ है, तो इन्हों भी उस तरह से छड़ना चाहिए। चंगे काम इन्होंने बहुत ज़्यादा ने, बहुत ज़्यादा ने। दुनिया को क्या मैसेज देना चाहोगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? दुनिया तो यही कहना चाहते हैं जी भी आपने जो नहीं देखा सुनी सुनाई गलते किसी का दिल ना दिखाओ, किसी डेरा श्रद्धालु तंग ना करो, किसी को कोई कमेंट ना मारो, क्योंकि आपने सिर्फ टीवी न्यूज़ है, किसी ने देखा किसी ने नहीं। उस आधार पर किसी डेयरी प्रेमी को तंग ना करो, किसी का दिल ना दिखाओ, क्योंकि आपको अधिकार नहीं कि आप किसी के दिल दिखाइए। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो लैन का हक भी ना रखिए मेरे हिसाब से जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रियल फैक्ट है, सच्चाई है जो समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं, किस तरह से डेरा सच्चा सौदा सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज को एक नई दिशा दी है।